से किड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो किड्स, टुडे आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट लिटरेसी डे। बच्चों, आज मैं आपको लिटरेसी डे के बारे में बताऊंगी कि हम लिटरेसी डे को क्यों सेलिब्रेट करते हैं और लिटरेसी डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके किड्स, सो किड्स, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 8th September एंड 8th September वॉज डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल लिटरेसी डे बाई यूनेस्को ऑन 26th October 1966। ओके किड्स, एंड किड्स, इट वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1967। तो बच्चों, आज हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लिटरेसी डे का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। बच्चों, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हर साल पूरे वर्ल्ड में 8th September को सेलिब्रेट किया जाता है और 26th October 1966 में यूनेस्को द्वारा 8th September को इंटरनेशनल लिटरेसी डे डिक्लेयर किया था। और पता है बच्चों, सबसे पहले इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल लिटरेसी डे सबसे पहले 1967 में सेलिब्रेट किया गया था। यह डे को पूरे वर्ल्ड में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। द एम ऑफ द इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी टू इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज, एंड हेल्पिंग समवन टू रीड एंड राइट इफेक्टिवली इम्प्रूव्स द फ्यूचर ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी। तो बच्चों, इंटरनेशनल लिटरेसी डे का मेन एम सोसाइटी और कम्युनिटीज़ में इंडिविजुअली लिटरेसी के इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम लोगों के पढ़ने और लिखने में मदद करेंगे, इससे सोसाइटी में लोगों के भविष्य को इफेक्टिवली इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। ओके किड्स, एंड किड्स, इट इज़ सेलिब्रेटेड ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस एंड रिमाइंड पीपल ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी। एंड किड्स, लिटरेसी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बिकॉज इट प्लेज अ विचुअल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो बच्चों, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लिटरेसी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, क्योंकि यह राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सो लिटरेसी हेल्प अस गेन नॉलेज ऑफ वेरियस काइंड्स दैट हेल्प अस बीइंग अ गुड एंड इन्फॉर्म्ड ह्यूमन बीइंग। सो किड्स, वर्ल्ड लिटरेसी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर आर एक्टिविटी। सो किड्स, फॉर एक्टिविटी वी नीड अ कलर्ड पेपर। किड्स, इफ़ यू डोंट हैव एनी कलर्ड पेपर, यू कैन यूज़ वाइट A4 शीट। बच्चों, एक्टिविटी के लिए हमें कलर्ड पेपर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास कलर्ड पेपर नहीं है तो आप A4 शीट का यूज़ कर सकते हैं जो आपको स्कूल से मिली है। ओके किड्स, सो किड्स, नाउ यू हैव टू मेक अ ब्यूटिफुल नोट पैड विद अ कलर्ड शीट और वाइट A4 शीट। तो बच्चों, अब आपको कलर्ड शीट या वाइट A4 शीट से ब्यूटिफुल सा नोट पैड बना लेना है, देखिए जैसे मैंने बनाया है। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू मेक योर नोट पैड, एंड किड्स, यू ऑल्सो हैव टू डेकोरेट योर नोट पैड ब्यूटिफुली। तो बच्चों, आपको कलर्ड पेपर या A4 शीट से ब्यूटिफुल सा नोट पैड बना लेना है और आपको अपने नोट पैड को अच्छे से डेकोरेट भी करना है। ओके किड्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। After this, you will write patterns, alphabet, numbers and draw some shapes on your notepad. Okay, so this way you have to make your notepad and write on it. So kids, now open the first page of your notepad. See what I have written here. तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। नोटपैड के फर्स्ट पेज पर मैंने हेडिंग लिखी है पैटर्न्स। अब आपको भी अपने नोटपैड के फर्स्ट पेज पर ऐसे ही हेडिंग लिखनी है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। Here I have written standing line and sleeping line. So kids, you have to make standing line and sleeping line on these pages. And in the next page, you have to make slanting line and curve. Then you have to write alphabet A to Z and numbers from 1 to 10. Okay? And in the next page, you have to make two shapes, circle and triangle. ओके किड्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आपको ड्राइंग में सर्कल और ट्रायंगल बनाने हैं, देखिए जैसे मैंने बनाए हैं। सो किड्स, दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर ब्यूटीफुल नोटपैड, एंड किड्स, यू हैव टू क्लिक योर नोटपैड पिक्चर एंड सेंड इट इन द ऑफिस नंबर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।